लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर डिफेंस एक्सपो 2020 की जगह में बदलाव किया गया है। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, डिफेंस एक्सपो 2020 की जगह में बदलाव हुआ है। अब हनुमान सेतु के पास खाली जमीन पर ये शो होगा। तो हनुमान सेतु के पास सेना के टैंकों का शो होगा। हनुमान सेतु के पीछे नहीं हुआ है कोई पौधारोपण। तो अफसरों के संयुक्त निरीक्षण में टैंक प्रदर्शन पर ये सहमति बनी है और जो जगह पर ये शो होना था, कार्यक्रम होना था, अब उस जगह में बदलाव करते हुए हनुमान सेतु के पास खाली जमीन पर अब ये शो होगा। तो हनुमान सेतु के पास सेना का ये टैंको शो होगा। हनुमान सेतु के पीछे नहीं है कोई पौधारोपण। तो ये जगह पहले जो निश्चित की गई थी, यहाँ पर बड़ी संख्या में पेड़ों को काटना पड़ता इस कार्यक्रम के चलते, जिसके चलते कहीं ना कहीं ये बड़ा बदलाव डिफेंस एक्सपो 2020 की जगह में किया गया है। जहां ये कार्यक्रम होना था, अब उस जगह को बदलकर हनुमान सेतु पर ये कार्यक्रम होगा और सेना के टैंकों का जो शो है वो प्रदर्शनी यहाँ पर होगी। हनुमान सेतु के पीछे कोई पौधारोपण नहीं है। तो अफसरों के संयुक्त निरीक्षण में टैंक प्रदर्शन पर सहमति बनी है। तो आपको बता दें कि अधिकारियों ने पहले निरीक्षण यहाँ पर किया, क्योंकि बड़ी संख्या में ये पेड़ पौधे यहाँ पर काटे जाने थे जहां पर ये पहले कार्यक्रम होना था। लेकिन अब हनुमान सेतु के पास सेना का ये टैंको शो होगा, तो ये पेड़ ना काटे जाए, इसी को लेकर एक बड़ा फैसला कि डिफेंस एक्सपो 2020 की जगह में बदलाव किया गया है। अफसरों के संयुक्त निरीक्षण के बाद ये फैसला लिया गया। तो ये बड़ी खबर लखनऊ से। अब हनुमान सेतु के पास खाली जमीन पर ये शो होगा, जिसके चलते अब ये बड़ी संख्या में जो पेड़ काटे जाने की बात आ रही थी वो नहीं काटे जाएंगे। 65,000 कहीं ना कहीं पेड़ काटे जाने थे, लेकिन अब उसी को देखते हुए अफसरों ने संयुक्त निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद टैंक प्रदर्शन पर सहमति बनते हुए डिफेंस एक्सपो 2020 की जगह में बदलाव किया गया।